कभी कभी हमारा लोगों पर बहुत ज्यादा एतबार उन्हें बिगाड़ देता है और वो इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि उन्हें किसी बात का मान रखना भी नहीं आता। जूते और लोग तकलीफ दें तो समझ जाएं कि वो आपके साइज के नहीं। एहसानों के बदले तब चुकाए जाते हैं जब ताल्लुक तोड़ना हो। जहां मोहब्बत हो एहसान किया जाता है और एहसान रखा जाता है। अल्लाह अगर कहता है मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखना उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन तुम नहीं समझते। बाज लोग सारी उम्र सही चीजें चुनते चुनते बस एक बार गलत चीज का इंतहाब कर देते हैं और ये गलती उनकी बाकी जिंदगी का रोग बन जाती है। धड़कने एहसासात से चलती हैं, एहसानात से नहीं चलती। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना के एहसानात का। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से बहस मत करें। अगर किसी का कौवा सफ़ेद है तो उसे सफ़ेद ही रहने दें। काला साबित करने पर जोर ना दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। राबते भले ना हों, चाहतें तो रहती हैं। दर्द के तवसत से नस्बतें तो रहती हैं। छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते मुद्दतों, मगर उनकी आदतें तो रहती हैं। ये जो लोग हैं ना, ये बदतरीन खुदा होते हैं। आप उनको खुश करने के चक्कर में जख्म जख्म हो जाते हो, ये फिर भी ना खुश होते हैं ना अजर देते हैं। इससे अच्छा नहीं कि अल्लाह को खुश करें जिसने हमें पैदा किया, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका नेमुल बदल नहीं होता, वो नहीं मिलते। अपने आप से सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जो आपके दिल में कुछ और होता है। जब आपके दिल में कुछ और होता है और आपका दिमाग रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ और सोच रहा होता है, चीजें बदलती हैं। दोस्तों अहबाब छोड़ जाते हैं, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।